हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। अच्छा, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी पेंटिंग को करने के लिए उससे मिलती जुलती एक चीज़ होती है जिसको हम कलर पैलेट कहते हैं, जहाँ पे हम सारे कलर्स की मिक्सिंग करते हैं और जो भी हमें टोन्स चाहिए होते हैं उस इमेज के हवाले से, या कोई भी एक तस्वीर हम बना रहे होते हैं, चाहे वो किसी लैंडस्केप की हो, कोई फिगरेटिव हो, पोर्ट्रेट हो, या कोई लैंडस्केप हो, सिटीस्केप हो, किसी भी तरह का एंगल, किसी भी तरह का व्यू जिसको हम पेंट करने जा रहे थे, सबसे पहले हमें चाहिए होती है पैलेट। तो यहाँ पर हमारे सामने जो पड़ी हुई है ये है कलर पैलेट। क्योंकि मेरी एक पेंटिंग अभी प्रोसेस में है तो इसलिए मैंने आपको दिखाना चाहा कि इसको हम कलर पैलेट कहते हैं। और ये सारे जो ट्यूब्स पड़े हुए हैं ये पेंट्स हैं, ऑयल पेंट्स हैं। इसमें डिफरेंट कंपनीज़ के कलर्स हैं, जैसे कि मतलब मेरीज की कुछ पेंट्स पड़े हुए हैं और विंसन न्यूटन के कुछ पड़े हुए हैं। तो ये हम आगे चल के आपको मैं और भी मतलब इसके बारे में बताऊंगा कि मेरीज कलर्स जो हैं क्या होते हैं और विंसन न्यूटन कलर्स क्या होते हैं। तो ये दोनों ही ब्रांडेड कंपनीज़ हैं, बाहर की हैं। और जैसे कि ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो कि मेरी पेंटिंग का जो एक प्रोसेस है वो अभी कम्प्लीट नहीं है, इन प्रोसेस है। तो ये कुछ पेंटिंग के दौरान की जो मिक्सिंग हुई हुई है कुछ पेंट्स की, ये वो मतलब जो है ना आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें। और ब्रशेस पड़े हुए हैं वहाँ पे, जो है मिक्स हुआ हुआ टर्प और लिंसिड ऑयल पड़ा हुआ है, जो कि हम कलर को थिन और थिक करने के लिए हमें क्वांटिटी वाइज चाहिए होता है। तो बहरहाल, तो आज के इस सेगमेंट में इतना ही, और आगे फिर मैं आपको कुछ और बताऊंगा चीज़ें।